आज के टाइम में जब बॉलीवुड के अंदर ऐसी बहुत सारी ना ग्लोरीफाइंग गैंगस्टर मूवीज बने जा रही है और ऐसी हीरो बेस्ड मूवीज बन गई है जिसमें बहुत सारा वायलेंस और मसाला हो, उस मोमेंट पे हमें एक ब्यूटीफुल स्लाइस ऑफ फिल्म मूवी की बहुत जरूरत थी एंड वो है शर्मा जी नमकीन। और आजकल बॉलीवुड में भी ऐसे जो ऑडियंस का एक कल्चर है वो भी इतना ज्यादा चेंज और ट्विस्ट हो गया है जिसकी वजह से उनको ज्यादा ऐसे लाइफ वाली मूवीज देखना पसंद नहीं है अपार्ट फ्रॉम द कश्मीर फाइल्स। और इस मूवी के लिए ना मेकर्स ने एक छोटा सा बजट उठा के एक बहुत अच्छी लाइवली मूवी बनाने की कोशिश की जिसमें वो थोड़ा सक्सेसफुल हुए भी है। शर्मा जी नमकीन कोई ऐसी मूवी नहीं है जो कि तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा मतलब मोटिवेशन देगी, पर एक ऐसी मूवी है जो कि बहुत स्वीट है। उसमें एक आदमी के रिटायरमेंट के बारे में स्टोरी बताई गई है और एक फादर और सन की जो सब्सिक्वेंट रिलेशनशिप होती है उसकी बात की गई है। इट वॉज अ रियली इंटरेस्टिंग वॉच मूवी फॉर मी क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसी कोई मूवी नहीं देखी है जिसमें मैंने एक ही कैरेक्टर को दो लोगों को प्ले करते हुए देखा है। एक्चुअली मेकर्स की वो चॉइस नहीं थी बट उनको मजबूरी में करना पड़ा। बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि एक्चुअली ऋषि कपूर जी इस मूवी को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इसलिए जितने भी सीन्स उन्होंने मूवी में शूट नहीं किए थे उसको शूट करने के लिए ना परेश रावल जी आए थे इस मूवी को कंप्लीट करने के लिए। एंड दैट वाज अ रियली काइंड थिंग फॉर एवरीवन एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। एक बहुत ही राइट डिसीजन था इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज करने का, ना कि थिएटर्स में, क्योंकि मुझे नहीं पता ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अलावा अगर थिएटर्स में रिलीज होती तो वहां कितना उसका कलेक्शन होता। एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तो बहुत अच्छा ही ग्रो कर रही है। एट द एंड इट वाज अ रियली गुड ट्रिब्यूट टू मिस्टर ऋषि कपूर जी, उनकी आखिरी मूवी थी और उनको परफॉर्म करते हुए देखते हुए मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऑन द प्लस पॉइंट परेश रावल जी को भी उनका ही कैरेक्टर अपनाते हुए भी मुझे बहुत मजा आया। मतलब इंटैक्ट इतना बढ़िया रोल कर रहे थे दोनों एक कैरेक्टर को लेके, कभी मुझे कमी महसूस ही नहीं हुई किसी के भी कैरेक्टर की। इसका प्लॉट बहुत ही सिंपल है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही स्वीट सी स्टोरी है और ये तुम्हें अपनी फैमिली के साथ मूवी जरूर देखनी चाहिए। स्पेशली जो तुम्हारे मॉम एंड डैड है उनको तो ये मूवी तुम्हें जरूर दिखानी चाहिए क्योंकि वो लोग बचपन से ऋषि कपूर जी की मूवीज देखते हुए आ रहे हैं और उन्हें पता है कि उनकी ऑन स्क्रीन एक्टिंग बहुत शानदार है और इसमें भी उन्होंने कमाल ही कर दिया है। और हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स इस मूवी को देखे तो वो ऋषि कपूर से ज्यादा रिलेट कर पाए और वो उसके चक्कर में ना उनकी आंखों में आंसू भी आ जाए क्योंकि हमें पता है कि इस मूवी के बाद हम ऋषि कपूर जी को किसी भी मूवी में नहीं देख पाएंगे। एक्चुअली देखा जाए तो एक कंप्लीट ऋषि कपूर पैकेज मूवी थी, उनकी स्वीटनेस उनकी कामनेस इस कैरेक्टर को लेके, इनफैक्ट उनकी लाइफ में भी वो जैसे कैरेक्टर थे वो भी बहुत शानदार और इस मूवी के लिए भी वो बहुत एक्ट रोल में थे। उनका जितना एक स्वीट कैरेक्टर उन्होंने इस मूवी में रोल प्ले किया है उतना ही स्वीट परेश रावल भी इस मूवी में लग रहे थे। मतलब मुझे ऑलमोस्ट पूरी मूवी में नहीं लगा कि यार दोनों अलग अलग एक्टर्स हैं और एक ही रोल कर रहे हैं। ऑल्सो इस मूवी में जूही चावला को भी मुझे बहुत टाइम बाद देखने को मिला, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। आजकल की जो मिडिल क्लास ऑडियंस है उनका रिफ्लेक्शन भी तुम्हें इस मूवी के कैरेक्टर्स के थ्रू देखने को जरूर मिलेगा। ये मूवी एक्चुअली एक इमोशनल वॉइड है उन पेरेंट्स के लिए जो कि अपने मतलब लाइक 50s टू 60s की एज में और वो रिटायरमेंट करने वाले हैं और इस टाइम पीरियड में उनका जो माइंडसेट होता है उनका जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है वो इस मूवी के रिफ्लेक्शन के थ्रू तुम्हें जरूर देखने को मिलेगी। इसका नरेशन तो काफी बढ़िया है ही और उसके साथ तुम्हें एक सेंस ऑफ रियलिज्म भी देखने को इस मूवी में जरूर मिलेगा। और तो और परेश रावल जी और ऋषि कपूर जी के अलावा जो सुशील नायर का कैरेक्टर है वो भी इसमें बहुत ज्यादा अच्छा था। मतलब वो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको मैं इसमें अगर मेंशन नहीं करूं तो मूवी का रिव्यू अधूरा रह जाएगा। सुशील नायर का जो कैरेक्टर था वो बेसिकली शर्मा जी मतलब हमारे जो ऋषि कपूर जी है उसके बेटे का रोल करता है और वो भी इतना एक टेरिफिक और एक इंपॉर्टेंट रोल था इस मूवी के लिए क्योंकि हमारे जो ऋषि कपूर जी का रोल है और जो हमारे बेटे का रोल है दोनों की डायनेमिक्स ऊपर नीचे होती रहती थी और ऑलमोस्ट उस बेटे का जो रोल था उसका स्क्रीन टाइम भी काफी ज्यादा था मूवी में। देखो वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा ओवरपावरिंग तो है ही पर वो अपनी लिमिट्स में रहता है। याद है जैसे टू स्टेट्स मूवी में अर्जुन कपूर ने अपने पापा को चाटा भी मारा था, अगर वैसे रिलेशन में देखा जाए तो ये जो कैरेक्टर था वो बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोलेबल कैरेक्टर था, उसको अपने एंगर पे भी बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है और वो अपने फादर की भी बहुत रिस्पेक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम उनके झगड़े तो कितने होते ही रहते थे फिर भी इस मूवी में जो एक कैरेक्टर है उसके डायनेमिक मुझे बहुत पसंद आया। इसकी एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी खासी थी क्योंकि इसमें जितने भी स्विच रोल्स हो रहे थे जैसे परेश रावल आ जा रहे थे फिर ऋषि कपूर आ जा रहे थे उसको देख के मुझे ज्यादा ऑकवर्ड नहीं लगा और काफी सिंपलिसिटी के साथ उन्होंने पूरी स्टोरी बता दी है। बस इसका एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है कि यार इस मूवी का जो क्लाइमैक्स था वो थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट में चला गया मतलब मेरे लिए क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा ओवर ड्रामेटिक लगा। इनफैक्ट इसका क्लाइमैक्स वो लोग पूरी तरीके से भी चेंज कर देते ना तो भी मूवी बहुत ज्यादा अच्छी बन सकती थी। वैसे देखा जाए तो मूवी बहुत बढ़िया एंटरटेनिंग भी और एक छोटा सा लाइफ लेसन भी तुम्हें देगी पर इसका शायद ना टिंच ऑफ ओवर ड्रामेटिकनेस जो थी उसको हल्का सा स्विच कर देते तो ये मूवी कंप्लीट बेस्ट हो जाती। ओवरऑल यू कांट मिस दिस मूवी, एक ब्यूटीफुल लाइफ लेसन मूवी है जो कि तुम्हें बहुत एंटरटेनिंग लग सकती है। बिल्कुल अगर कॉम्प्लिकेटेड नरेशंस तुम्हें पसंद नहीं है और तुम्हें पता है कि सिंपल सॉर्टेड मूवी देखनी है जो कि तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल ला पाए तो शर्मा जी नमकीन इज फॉर यू। सो आई गेस मैंने इतना बोल दिया तो तुम लोग इस मूवी को देख ही लोगे और मुझे कमेंट्स में जरूर बताओगे कि तुम्हें मूवी कैसी लगी।
सो आई गेस इस मूवी को मुझे रेट करना चाहिए 7.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो तुम जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो हाय गाइस, मेरा नाम है आकाश और मैं बहुत सारे बहुत ज्यादा ना मूवीज और टीवी रिव्यूज बनाता हूँ। तो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब तुम कर ही लो, क्योंकि आगे भी हजारों वीडियोज आने वाले हैं। एंड आई विल सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस।